हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज हम पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। आज हम सीखेंगे कि अकाउंटेंसी में जो जर्नल एंट्रीज होती है वो कैसे रिकॉर्ड की जाती है बच्चे। लेकिन ये क्लास आपको तभी समझ आएगी जब आपने लास्ट क्लासेस में जो हमने बेसिक्स और वो कराए थे ना, जैसे हमने एक क्लास ली थी बेसिक्स अकाउंटेंसी के, जिसमें हमने टर्म्स डिफाइन की थी, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होते हैं, कैपिटल का क्या यूज होता है। तो अगर आपको उनका मतलब ही नहीं पता तो आप कैसे जान पाएंगे कि उनको कैसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है अकाउंटेंसी में ना। दूसरा हमने आपको कराए थे डेबिट और क्रेडिट रूल्स जो होते हैं अकाउंटेंसी के। तो ये क्लास समझने के लिए आपको ये दोनों क्लासेस का पता होना चाहिए बच्चे। अगर आपको ये दोनों क्लासेस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आज आपको कुछ समझ नहीं आएगा इस लेक्चर में से। तो मैं बोलूंगी आप पहले वो सब कवर कर लो, पहले अपना बेसिक क्लियर कर लो, अपने जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं अकाउंटेंसी के और जो रूल्स होते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कराया था। जब तक आपको ये सब नहीं पता होगा तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब हम जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जर्नल क्या होता है, आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ये फ्रेंच वर्ड है बच्चे, इसका कहां से आया? ये जुअर से। जुअर का मतलब क्या होता है फ्रेंच में? इसका मतलब होता है डे, डे। तो जब हम जर्नल बोलते हैं तो डेली, फ्रेंच वर्ड का मतलब है डे। और हम जब जर्नल वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि डेली, और इसीलिए इसका नाम जर्नल पड़ गया क्योंकि डेली रिकॉर्डिंग होती है। नाम से क्लियर है डेली का मतलब कि रिकॉर्डिंग, यहां देखिए रिकॉर्डेड इन द जर्नल ऑन अ डेली बेसिस। आप जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो बच्चे वो डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हो, उनकी डेट ऑफ अकरेंस के बेस पे रिकॉर्ड करते हो। डेट ऑफ अकरेंस के बेसिस पे आप रिकॉर्ड करते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रांजेक्शन 1 मई को हो रही है और कोई ट्रांजेक्शन 31 मई को हो रही है, तो आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? पहले जो 1 मई को हुई है उसको पहले रिकॉर्ड किया जाएगा, बाद की डेट्स में जो बाद की ट्रांजेक्शन हुई है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या समझ आया इस बात से? कि क्रोनोलॉजी मेंटेन करते हैं। क्रोनोलॉजी मतलब उसी ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे जिस ऑर्डर में ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। अगर हमने पहले जो ट्रांजेक्शन 1 डे को जो ट्रांजेक्शन किए वो 1 डे को ही रिकॉर्ड की जाएगी, 2 डे वाली 2 डेट को रिकॉर्ड की जाएगी। क्लियर हो गया? रिकॉर्डेड ऑन डेली बेसिस पे होती है एक तो, दूसरा क्रोनोलॉजी मेंटेन करते हो आप, जिस ऑर्डर में ट्रांजेक्शन हो रही है उसी ऑर्डर में रिकॉर्ड करोगे। जो ट्रांजेक्शन पहले हो रही है वो पहले रिकॉर्ड होगी, जो बाद में हुई है वो बाद में रिकॉर्ड होगी। तीसरा, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे। नॉन मॉनेटरी का कोई रोल नहीं है, भले ही वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती हो लेकिन जब तक आप पैसे में बात नहीं कर रहे हो तब तक कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ट्रांजेक्शन का मॉनेटरी पैसों में अमाउंट का इन्वॉल्व होना जरूरी है, जब तक ट्रांजेक्शन में अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। फिर हमने यूज किया था, जैसे हमने टाइटल में यूज किया हाउ टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन बुक्स, बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करें। तो बुक्स का क्या मतलब है? देखिए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मैंने यहाँ टाइटल में डाला बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है बच्चे? अकाउंटिंग जर्नल्स, वो वाले अकाउंटिंग जर्नल्स जिनमें बिजनेस ट्रांजेक्शंस को इनिशियली रिकॉर्ड किया जाता है, सबसे पहले जहां रिकॉर्ड किया जाता है उनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। सबसे पहले ट्रांजेक्शंस को जहां रिकॉर्ड किया जाएगा उसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहेंगे। इन्हीं बुक्स में से हम ट्रांजेक्शंस को समराइज करते हैं और फिर उनको लेजर में पोस्ट करते हैं और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड हुई? जर्नल में रिकॉर्ड हुई, पहले बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड हुई। तो जहां सबसे पहले रिकॉर्ड हुई उसी को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलेंगे। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में से ही ट्रांजेक्शंस को ले लेकर हम लेजर्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। कहने का मतलब है ये फर्स्ट स्टेप है ओरिजिनल एंट्री बुक। इन बुक्स में जो ट्रांजेक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है ये फर्स्ट स्टेप हो जाता है। उसके बाद आता है लेजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब बाद में आता है। तो क्लियर हो गया बच्चे? अब देखो यहाँ टर्म है जर्नलाइजिंग। जर्नल का मतलब क्लियर है? यहां तक का मतलब क्लियर है? तो अब हमने बोला जर्नलाइजिंग।
जर्नल का मतलब पता है, जर्नलाइजिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को ही जर्नलाइजिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो अब आप रिकॉर्डिंग करते हो ट्रांजेक्शंस की, उस प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं। ये प्रोसेस क्यों होता है, इसमें क्या होता है ना बच्चे, आप सबसे पहले ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सी ट्रांजेक्शन मॉनेटरी है, कौन सी नॉन मॉनेटरी है। ट्रांजेक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, मॉनेटरी वर्सेस नॉन मॉनेटरी, कौन सी ट्रांजेक्शन मॉनेटरी है, कौन सी नॉन मॉनेटरी है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्राइक हो गई, इसका नेचर क्या है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व है क्या, कोई अमाउंट की बात हुई है, नहीं होती है। स्ट्राइक को आपको पता है लॉस हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है पता नहीं। दूसरा एग्जाम्पल सैलरी पे कर दी, सैलरी पेड, कितना 5000, इसमें अमाउंट इन्वॉल्व है, तो ये क्या हो गई, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो गई। अब हमें देखना है नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये स्टेप वन था। सेकेंड स्टेप में क्या था, अफेक्टेड अकाउंट्स कौन से हैं, दो की बात हो रही है, एक तो सैलरी दूसरा कैश की बात हो रही है। अफेक्टेड अकाउंट्स क्या है, सैलरी एंड कैश अकाउंट, दो अकाउंट्स मिल गए। और जर्नल में क्या होता है, कोई भी अकाउंटिंग इक्वेशन बच्चे आपने पढ़ी है ना, दो हर एक ट्रांजेक्शन कम से कम एटलीस्ट दो अकाउंट्स को इंपैक्ट करती है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो को इंपैक्ट करेगी। क्यों, एक अकाउंट डेबिट होगा तभी तो दूसरा कहीं ना कहीं कोई अकाउंट क्रेडिट होगा, इक्वल डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हमेशा रहेगा। इतना जितना अमाउंट डेबिट में डालेंगे उतना अमाउंट क्रेडिट में भी डल रहा होगा, बैलेंस मेंटेन करना है। फिर थर्ड स्टेप क्या है बच्चे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब इस पे रूल लगा दो, सैलरी कौन सा अकाउंट होती है, नॉमिनल में आएगा, खर्चा है ना, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस किस में आएगा, नॉमिनल में। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, क्यों, क्योंकि एसेट है, एसेट है इसलिए रियल में आ रहा है। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है इसीलिए नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट्स मिल गए, ये दो अकाउंट्स है, अब जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर दो। नॉमिनल का क्या का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो सैलरी क्या है, डेबिट कर दो, एक्सपेंस है ना, सैलरी अकाउंट डेबिट 5000 टू, टू में क्या है, एसेट है, और एसेट क्या हो रही है, सैलरी पे कर दोगे, पैसा आपके पास से चला गया, आपकी एसेट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, एसेट डिक्रीज हो गई। तो क्रेडिट, रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ पे क्या हो रहा है, गोज आउट, बिजनेस से बाहर जा रहा है पैसा, तो क्रेडिट कर दो इसको, तो टू कैश अकाउंट 5000, सैलरी अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट 5000। अभी आपको क्लियर हुआ हमने क्या किया, एक बार फिर से देख लो बच्चे इसको। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चे, आप हमने बोला था सैलरी पेड रुपीज 5000, ये हमारी ट्रांजेक्शन थी। रूल प्रोसेस क्या था, पहले हम ट्रांजेक्शन को देखेंगे क्यों मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या है बच्चे, मॉनेटरी है, क्यों है, क्योंकि इसमें ये देखिए 5000 अमाउंट की बात हो रही है, जहां पे अमाउंट की बात होगी उसको क्या मानेंगे, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो गया वो क्या हो गया, वो मॉनेटरी हो गया। आपने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। फिर क्या था बच्चे, सेकेंड स्टेप था हमारा, सेकेंड स्टेप क्या था, अफेक्टेड अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करो। अभी आप इसमें अकाउंट्स बताओ, दो अकाउंट्स की बात होगी, एक ट्रांजेक्शन एटलीस्ट दो अकाउंट्स को इंपैक्ट करती है, तो अब आप ये बताओ कि इसमें कौन से दो अकाउंट्स की बात हो रही है। देखिए एक तो बात हो रही है सैलरी की, है ना, सैलरी इसमें देख के ही रखा है ना कि आपने सैलरी पे कर दी, एक बात हुई सैलरी की, दूसरी बात हुई कैश की, तो दो अकाउंट्स कौन से हैं, सैलरी और दूसरा कैश। सैलरी किसमें आता है, नॉमिनल में आता है, नॉमिनल क्योंकि खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है सैलरी, क्योंकि ये
एक्सपेंसेस में आते हैं, खर्चा है ना बिजनेस के लिए, तो बिजनेस का तो खर्चा है सैलरी। कैश किस में आएगा? रियल में आएगा, रियल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये एसेट है बच्चे, करंट एसेट आएगा इसमें। कैश क्या है? एसेट्स में आता है। कैश किस में आता है बच्चे? एसेट्स में आता है, करंट एसेट्स होते हैं ना। ठीक है, दो अकाउंट्स आपने पता कर लिए। अब रूल क्या था इसका? रूल क्या था नॉमिनल का? डेबिट एक्सपेंसेस, क्रेडिट इनकम। रियल अकाउंट का रूल क्या था बच्चे? डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में अगर कुछ आ रहा है तो डेबिट कर दो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रूल समझ आ गए? अब एंट्री यहां पोस्ट करो। डेबिट एक्सपेंसेस, तो ये क्या है? सैलरी डेबिट एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000। फिर क्रेडिट किसको कर देंगे? क्रेडिट में भी जाएगा, अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो सेम अमाउंट से कोई ना कोई और अकाउंट या एक से ज्यादा अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे होंगे, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, तो टू कैश अकाउंट 5,000। ऐसे देखे होंगे आपने, इलस्ट्रेशंस देखे होंगे अपनी बुक में, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया। इसके नीचे थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे शॉर्ट में, उसको हम बोलेंगे नरेशन, जो छोटी सी डिटेल दी जाएगी ना, यहाँ लिख देंगे जैसे सैलरी पेड 5,000। छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है ट्रांजेक्शन के नीचे, उसको हम नरेशन बोलते हैं। क्यों दे दिया जाता है? क्योंकि जब आपने एंट्री कर दी है सैलरी कैश, ठीक है, उस ट्रांजेक्शन को कभी कभी आप हमेशा थोड़ी ना अपने बिल्स वगैरह चेक करते रहेंगे, तो एक सिंगल एंट्री सारी कंप्लीट डिटेल्स देगी एक ट्रांजेक्शन की। तो कंप्लीट डिटेल्स देने के लिए हम शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि अगर आपको वहां से नहीं समझ आ रहा है तो ये वाली ट्रांजेक्शन इसलिए हुई है क्योंकि ये हुआ था। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दोगे आप नीचे ट्रांजेक्शन के नीचे में, उसको हम नैरेशन बोल देते हैं। इसको हम बोलते हैं नैरेशन, इसको हम बोलेंगे बच्चे नैरेशन। ठीक है, अभी आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे करते हैं जर्नलाइजिंग, आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी है बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जर्नल, जर्नल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी कि फीचर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने बोला था क्रोनोलॉजी मेंटेन करो, तो इसमें वही है क्रोनोलॉजी रिकॉर्ड, जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे करते हैं, जो पहले हो रही है उसको पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन बाद में हुई है उसको बाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑर्डर मेंटेन करते हैं। फिर बोला बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैसे है? क्योंकि आप बिल्स वगैरह इनवॉइस वगैरह देख के सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करते हो ट्रांजेक्शन? जर्नल में सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है, फर्स्ट जो इनिशियल जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है किसी में, वो जर्नल में की जा रही है, इसलिए इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं बच्चे। फिर रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन, किसी भी ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट होता है एक अकाउंट, तो कोई ना कोई अकाउंट क्रेडिट भी होता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम यही तो बोलते हैं। हमने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया था, ये जो क्लास हुई थी अकाउंटिंग इक्वेशंस वाली, कि कोई एक अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं सेम अमाउंट से कोई एक अकाउंट या उससे ज्यादा क्रेडिट भी हो सकते हैं। हो सकते हैं दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और एक क्रेडिट हो रहा है। नंबर ऑफ अकाउंट्स वेरी कर सकते हैं, लेकिन अमाउंट जो होगा डेबिट का अमाउंट हमेशा क्रेडिट के अमाउंट के इक्वल रहेगा। इट गिव्स, नेक्स्ट है इट गिव्स कंप्लीट डिटेल्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन वन एंट्री, एक ही एंट्री में, देखिए यहाँ पर वन एंट्री में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। हमने क्या किया था, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, नीचे नरेशन दे दिया, कंप्लीट डिटेल आपको उसी ट्रांजेक्शन से मिल जा रही है कि ये खर्चा या ये ट्रांजेक्शन कहाँ और कैसे हुई होगी, क्या हुआ होगा। तो सैलरी पे की है 5,000, आपने पूरी एक ही एंट्री से सारी डिटेल मिल गई। इट फॉर्म्स द बेस फॉर रिकॉर्डिंग और ट्रांसफरिंग द जर्नलाइज ट्रांजेक्शन टू इंडिविजुअल अकाउंट नोन एज लेजर। आपको जर्नल से हेल्प मिलती है लेजर बनाने में, जर्नल बेस है लेजर अकाउंट के
रिकॉर्डिंग का। आप लेजर में कैसे रिकॉर्ड करोगे ट्रांजेक्शन? आप जर्नल में से ट्रांजेक्शन उठा उठा कर लेजर में पोस्ट करोगे, अकाउंट्स बनाओगे ना, जो टी शेप अकाउंट्स की बात होती है बच्चे, जो टी शेप अकाउंट्स की बात होती है वो कैसे होती है? जो टी शेप अकाउंट्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हो पहले ट्रांजेक्शन, फिर टी शेप अकाउंट्स में पोस्ट कर देते हो वही सेम ट्रांजेक्शन को। अभी अगर मैं आपको डिटेल में लेजर अकाउंट समझाऊंगी तो आपको जर्नल नहीं समझ आएगा, अभी हम इसी टॉपिक तक रहते हैं। फिर इसने बोला ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ जर्नल, इसीलिए इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। ट्रांजेक्शन सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है इसीलिए इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है। फिर कहते हैं कैश ट्रांजेक्शन आर फ्रिक्वेंटली कैप्ट इन अ सेपरेट लेजर नोन एज कैश बुक। कभी कभी बिजनेस है जो कैश से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना उसके लिए अलग से बुक बना लेता है कि ठीक है बिजनेस को लगता है कि कैश के ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है ना, तो जर्नल में अगर उनको रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत ज्यादा बल्की हो जाएगा जर्नल में ना। मतलब कोई बिजनेस हो बहुत ज्यादा कैश में डील कर रहा है ना, आ रहा है जा रहा है बार बार एक्सपेंसेस, इतना कैश ट्रांजेक्शन को अगर जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो जर्नल में और भी तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन है ना, तो क्या होगा बच्चे आपका जर्नल है ना वो बहुत भारी बहुत बल्की हो जाएगा, बहुत वॉल्यूम हो जाएगा। इसीलिए आप एक अलग से कैश बुक भी मेंटेन कर लेते हैं कुछ बिजनेस, ताकि ईजी रहे, सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कैश बुक में हो जाएंगी तो जर्नल में वो नहीं होंगी वो रिकॉर्ड। तो दोज ट्रांजेक्शन आरेंट कैप्ट इन जर्नल, अगर कैश बुक मेंटेन कर रहा है बिजनेस तो जर्नल जर्नल में वो कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता है, सेपरेट लेजर मेंटेन कर लेते हैं। तो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करोगे, कैश बुक में जो एंट्रीज आपने रिकॉर्ड कर ली है, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के टाइप्स भी होते हैं, एक होती है सिंपल जर्नल एंट्री, एक होती है कंपाउंड जर्नल एंट्री। जब हम सिंपल की बात करते हैं तो उसमें हम बात कर रहे होते हैं टू अकाउंट्स की। सिंपल जर्नल एंट्रीज वो होती हैं जिसमें दो अकाउंट्स को अफेक्ट करता है एक ही ट्रांजेक्शन, एक सिंगल ट्रांजेक्शन कम से कम दो या सिर्फ और सिर्फ दो अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। देखिए सिंपल में याद रखना है दो अकाउंट्स, और कंपाउंड में दो से ज्यादा, टू प्लस अकाउंट्स, मोर देन, यहां होगा देखिए अफेक्ट्स मोर देन, कंपाउंड में अफेक्ट्स मोर देन टू अकाउंट्स, दैट इज वन और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड, वन और मोर अकाउंट्स आर क्रेडिटेड और वाइस वर्सा। कहने का मतलब है आप इतना याद रखिए कि सिंपल है, जब उसने बोला सिंपल जर्नल एंट्री तो उसने बोला दो अकाउंट्स, एक ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट्स है, मिनिमम इतना आपको पता है कि मिनिमम दो अकाउंट्स होते हैं, एक ट्रांजेक्शन कम से कम दो अकाउंट्स को तो हमेशा इंपैक्ट करती है, जब वो दो अकाउंट्स को इंपैक्ट करती है तो होती है सिंपल जर्नल एंट्री। और जब कंपाउंड बोल रहे हैं कि कंपाउंड जर्नल एंट्री है तो कंपाउंड में हम बात कर रहे होते हैं मोर देन टू अकाउंट्स, मोर देन टू अकाउंट्स, दो से ज्यादा अकाउंट्स को जो एंट्रीज इंपैक्ट करती है ना बच्चे वो कंपाउंड जर्नल एंट्रीज होती है। ये जब हम क्वेश्चन में करेंगे ना तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर हमने बात की थी रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, मैंने यहाँ आपको अकाउंट्स बता दिए थे, नहीं यहाँ नहीं, हमने आपको रूल्स बताए थे डेबिट और क्रेडिट करके, लास्ट क्लास में। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, आप वो क्लास एक बारी देख लो बच्चे, आप वो एक बारी देख लो। यहाँ हमने नॉमिनल, यहाँ जो हमने डिस्कस किया था वो हमने किया था, कलर चेंज कर देते एक बारी ना। यहाँ हमने आपको दो रूल्स बताए थे, यहाँ हमने आपको एक बताया था नॉमिनल का रूल बता दिया था, इधर ये देखिए ये नॉमिनल का रूल था डेबिट एक्सपेंसेस क्रेडिट इनकम, फिर हमने आपको बता दिया था रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक काम करते हैं एक बारी आपको बहुत शॉर्ट में हम आपको बताते हैं कि कैसे होता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का, एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं।
ये देखिए, आप सबसे पहले ना अकाउंट्स को टाइप देख लो, वहीं से आपको रूल्स समझ आ जाएंगे। इनको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है। जब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं तो हम तीन अकाउंट्स की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं रियल अकाउंट की, दूसरा हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। तीसरा हम बात करते हैं बच्चे पर्सनल अकाउंट की। तीन अकाउंट्स होते हैं और इनके तीन ही रूल्स होते हैं। रियल में क्या आएगा, एसेट्स आते हैं, नॉमिनल में एक्सपेंसेस और इनकम, प्रॉफिट लॉस। तो ये एक्सपेंसेस और लॉस, प्रॉफिट और इनकम गेन और पर्सनल पर्सनल अकाउंट में क्या आएंगे, पर्सन के अकाउंट। वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है बच्चे और ह्यूमन बीइंग की भी बात हो सकती है। कोई नाम जब आ जाता है तो आर्टिफिशियल लिख लेते हैं। इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है, या फिर इंडिविजुअल से आपका क्या मतलब है, कोई नाम जब आ जाए, जैसे राम राम का अकाउंट हो जाएगा, मोहन का अकाउंट, श्याम का अकाउंट। जब कोई नेम होता है तो पर्सनल अकाउंट होता है। अब आपको जब तीनों टाइप्स पता है, रियल, नॉमिनल, पर्सन, पर्सनल अकाउंट, तो आपको अब इसके साथ साथ क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इनके रूल्स। तो बच्चे सबसे पहले रियल अकाउंट का रूल है, ये बहुत जल्दी में देख रहे हैं क्योंकि हम इसकी एक क्लास हो चुकी है, अगर बार बार उसको पढ़ाने जाएंगे तो क्लास बहुत लंबी खिंच जाएगी। इसीलिए इसे बहुत जल्दी में देख रहे हैं। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बिजनेस के पास कुछ आ रहा है तो डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बिजनेस के पास से कुछ चला गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऐसे ही नॉमिनल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट में कैसे होगा बच्चे, डेबिट एक्सपेंसेस या लॉस, डेबिट एक्सपेंसेस, लॉस, क्रेडिट इनकम और प्रॉफिट। प्रॉफिट या गेन लास्ट में है पर्सनल। पर्सनल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट कर दो किसको, रिसीवर को। रिसीवर कौन है, जिसे कुछ रिसीव होगा, गुड्स होंगी, अमाउंट होगा या जो भी। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट गिवर, देने वाला क्रेडिट होगा। इसका और कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको याद करने पड़ेंगे कि जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के पास कुछ आ रहा है तो डेबिट कर दो, जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। फिर अगर कोई खर्चा है या कोई भी नुकसान है बिजनेस के लिए तो उसको डेबिट कर दो, कोई इनकम या प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर दो। डेबिट अगर कोई जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो, कोई देने वाला है उसको क्रेडिट कर दो। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जरा, हमने एंट्रीज पढ़ लिए, टाइप ऑफ एंट्रीज हो गई है हमारी, हमने रूल्स भी पढ़ लिया जर्नलाइजिंग के, और रूल्स को क्या बोला जाता है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है। इनको किस नाम से जाना जाता है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की एंट्रीज इन्हीं के बेस पे होती है, या इनको क्या बोला जाता है, और डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। डेबिट और क्रेडिट रूल्स, ठीक है बच्चे।
अब चलते हैं आगे। अब देखिए, अब हम बात करें नरेशन की। मैंने कहा था ना कि एंट्री होती है, जैसे हमने अभी किया था सैलरी अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट और यहां हमने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया था उस एंट्री का ना, ब्रैकेट करके और एक डिस्क्रिप्शन दिया था एंट्री का। ये जो छोटा सा आप डिस्क्रिप्शन देते हो ना, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, नैरेशन बोलते हैं। यहाँ छोटा सा डिटेल दे दिया जाता है एंट्री के बारे में, नीचे उसको हम नैरेशन बोलेंगे। देखिए यहाँ लिखा भी नैरेशन, इट इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है। नैरेशन इज गिवन अलोंग विद द जर्नल एंट्री बिकॉज द बिजनेस मेक्स अ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, बिजनेस मेक्स अ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, इट बिकम्स डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट हो जाता है इन द फ्यूचर टू रिमेम्बर। फ्यूचर में याद नहीं रख पाओगे, जब 2-3 साल की एंट्रीज हो जाएंगी ना, 2-3 साल पीछे जाकर देखोगे उस एंट्री को, तो आपको नहीं समझ आएगा बच्चे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये ट्रांजेक्शन सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कब किया था, किस लिए किया था, कुछ याद नहीं रहेगा। ये तो सिर्फ छोटी सी ट्रांजेक्शन है सैलरी और कैश। कभी कभी हमने किसी को पेमेंट किया है, किस चीज की पेमेंट की है, अकाउंट सेटल किया, तो किस, आपको थोड़ी एंट्री देखकर थोड़ी समझ आएगा। तो आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हो आप एंट्री का, एंड प्रूव योर ट्रांजेक्शन, ये फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा। क्योंकि एक वक्त के बाद आप एंट्रीज को भूल जाओगे, दिमाग में थोड़ी याद रहेगा क्या इनकम हुआ था, क्या खर्चा हुआ था बिजनेस का, ये एंट्री क्यों की गई थी, सारी एंट्रीज थोड़ी याद रहने वाली। तो आप वो डिस्क्रिप्शन देखकर समझ पाओगे कि ये एंट्री क्यों हुई थी और इस एंट्री की डिटेल क्या है। इसीलिए हम एक नैरेशन दे देते हैं हर जर्नल एंट्री के नीचे। समझ आया होगा। अब हम देखेंगे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट होता है और आपको ये ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है जब आप जर्नल एंट्रीज करते हो एग्जाम में। जब क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको ये ही फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। अभी तो आप रफ में ठीक है प्रैक्टिस कर रहे हो, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, जल्दबाजी में नहीं भी करते हो, हम डायरेक्ट सीधा 2-3 लाइनें खींचकर एंट्री करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये फॉर्मेट है और आपको फ्यूचर में ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। जब आप अकाउंटेंट बन जाओगे या प्रोफेशनल कोई कहीं अकाउंटिंग कर रहे हो, या एग्जाम में भी आपके मार्क्स कट हो जाएंगे अगर आपने मार्क्स डिडक्ट होंगे अगर आपने ये फॉर्मेट नहीं फॉलो किया, तो ये कंपलसरी होता है। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं डेट, जिस है मैंने कहा था ना क्रोनोलॉजी मेंटेन की जाती है। यहाँ पे डेट टाइम, जिस डेट को जो एंट्री होगी वो क्रोनोलॉजी, जो पहले हुई है वो पहले रिकॉर्ड होगी, जो बाद में हुई है वो बाद में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ पे एंट्रीज की जाएंगी। यहाँ आप जर्नल एंट्री करोगे, उसके नीचे नैरेशन करोगे ब्रैकेट में हर एक एंट्री के नीचे। फिर लेज, अच्छा LF, LF पेज नंबर होता है, ये किसमें नंबर डलता है ये हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे क्या होता है ये। फिर डेबिट अमाउंट इधर लिखा जाता है, इधर क्रेडिट अमाउंट, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट वाला अमाउंट लिखा जाएगा, ठीक है बच्चे। ये फॉर्मेट याद हो गया। अब हम देख लेते हैं इन सबका क्या मतलब होता है। डेट सबसे पहले आता है, डेट शोज द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। डेट में हम क्या लिखेंगे, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को लिखेंगे। All the transactions are to be recorded in journal. अच्छा देखिए वही है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करनी है आपको ट्रांजेक्शन। मैंने बोला ना क्रोनोलॉजी मेंटेन करनी है, जो जिस डेट को अकर हो रही है, जो पहले हुई है जो ट्रांजेक्शन, वो पहले रिकॉर्ड होगी, जो बाद में हुई है वो बाद में रिकॉर्ड होगी। फिर बोला पर्टिकुलर्स, इसमें हम जो अकाउंट्स है, जो डेबिट इज रिटर्न इन फर्स्ट रो, फॉलो द वर्ल्ड। अच्छा देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आए। जैसे वो सैलरीज वाले थे, तो हमने क्या किया था, यहाँ कैसे रिकॉर्ड होगी वो एंट्री, सैलरीज अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ छोटा सा डेबिट लिखा जाएगा। ये फॉर्मेट होता है, आपको यही फॉलो करना है। अब सैलरी इधर है तो टू यहां से लिखा जाएगा, थोड़ा स्पेस छोड़ करके टू कैश अकाउंट ऐसे लिखना है। यहाँ था 5000 था सैलरी का, तो ये 5000 इधर लिखा जाएगा डेबिट में, और इसका कैश के सामने 5000 इधर लिखा जाएगा। ऐसे होती है एंट्रीज, आपको थोड़ा स्पेस यहाँ छोड़ना है टू से पहले, उसके बाद टू कैश अकाउंट करना है। सैलरी अकाउंट डेबिट यहाँ लिखा जाएगा डेबिट, देखिए डेबिट यहाँ लिखा है, इनके साथ में डेबिट लिखना है DR डॉट टू कैश अकाउंट 5000, ऐसे रिकॉर्ड होगी एंट्री। ये फॉर्मेट होता है, आपको समझ आ गया। इस लाइन में जो है ना पर्टिकुलर्स वाली लाइन में यही समझाया है कि छोटा सा डेबिट लिखना है और टू लिखने से पहले थोड़ा स्पेस छोड़ना है आपको, ठीक है। डेबिट लिखना है वो बिल्कुल
लाइन के साथ लिखा है, देखिए डेबिट हमने कहा लिखा है, यहां लिखा है बिल्कुल इस लाइन के साथ डेबिट लिखा है, टू से पहले थोड़ा स्पेस छोड़ा है, सेकेंड लाइन में क्रेडिट वाली एंट्री हो रही, समझ आ गया। फॉर्मेट में देखकर ज्यादा इजी तरीके से आपको याद होगा, और आपको तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, आपको थोड़ी एग्जाम में पूछेंगे कि पर्टिकुलर्स में क्या लिखा है और पर्टिकुलर्स क्या होते हैं, नहीं तो ये सिर्फ समझाने भर के लिए है, और इतनी सारी लाइंस और इतना सारा बढ़ा चढ़ा कर लिखने से वो इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है। नरेशन बता दिया था, एंट्री के नीचे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप दे देते हो ट्रांजेक्शन के बारे में। अच्छा बच्चे, अब लेजर फोलियो LF आया था, ये नया आया अभी, क्या होता है लेजर फोलियो? फोलियो का मतलब होता है पेज, फोलियो का मीनिंग क्या होता है? पेज, और लेजर फोलियो मतलब पेज नंबर ऑफ लेजर, लेजर का पेज नंबर, पेज नंबर ऑफ द लेजर ऑन विच डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स आर पोस्टेड इज रिटर्न, पेज नंबर ऑफ लेजर ऑन विच डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स आर पोस्टेड इज रिटर्न। लेजर में जिस जिस पेज पर ये पोस्ट की गई है, ये डेबिट और क्रेडिट अमाउंट, ये वाली जो ट्रांजेक्शन लेजर में जहां पोस्ट की गई है उसका पेज नंबर होता है लेजर फोलियो में, बेसिकली लेजर का पेज नंबर होता है कि लेजर में कहां पोस्ट की गई है, ये समझ में आया बच्चे? लेजर में कुछ नहीं होता, पेज नंबर होता है लेजर का कि लेजर में ये वाली ट्रांजेक्शन कहां रिकॉर्डेड है, कहां पोस्ट की गई है, ठीक है। फिर होता है DR का मतलब होता है डेबिट, और CR का मतलब क्रेडिट, बस इतना ही होता है, आपको बस ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। देखिए यहां रहा सब कुछ है इधर, जनरली आपको LF में कुछ नहीं मिलता, ये खाली छोड़ देते हो आप, लेजर फोलियो वाले में कुछ नहीं मिलता है, जनरल एंट्रीज में लगभग में नहीं मिलता है। हमने इतने साल BCom हो गया, MCom क्लास 11 12 आज तक हमने LF को कहीं यूज ही नहीं किया है, मिलता ही नहीं है LF कहीं लिखने को। ये जब आप प्रैक्टिकली, आप जब अकाउंटेंसी को प्रैक्टिस करोगे ना, आप प्रोफेशनल हो जाओगे, अकाउंट्स मेंटेन करोगे किसी क्लाइंट के लिए, कंपनी के लिए, तब जाके आपको LF से डील करने को मिलता है, वरना आपको बुक्स में जब आप पढ़ रहे हो तो अकाउंट्स, तो आपको कहीं LF का कुछ नहीं मिलता, खाली आप ऐसे हमेशा से ऐसे लाइन छुड़वाना सिखाते हैं टीचर्स, कहीं कोई यूज नहीं मिलता है इसका। अभी देखिए डेट वाला ये वाला कॉलम है, पर्टिकुलर्स में हमने क्या लिखा, ये ट्रांजेक्शन क्या थी, देखिए नरेशन से समझ आ जाएगा, यहाँ तो कैश टू सेल्स है, नरेशन में देखो नरेशन में लिखा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश में आपने गुड्स बेच दी, गुड्स बेची तो क्या दो अकाउंट्स निकालो, इसमें कौन से दो अकाउंट्स है, गुड्स और कैश, तो कैश गुड्स, लेकिन गुड्स क्या है, सेल्स है, सेल्स है। गुड्स को कैसे रिकॉर्ड करते हो आप, सेल्स के नाम से करते हो, परचेज के नाम से करते हो, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न, यहाँ क्या हो रहा है सेल हो रही है, तो सेल्स के नाम से दो अकाउंट हो गए, एक हो गया कैश एक हो गया सेल्स अकाउंट। तो सोल्ड, सोल्ड का मतलब क्या बच्चे, बिजनेस के पास क्या आया, पैसा आया, ये क्या कौन सा अकाउंट है, कैश है और रियल अकाउंट है, और ये क्या होगा, डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि ये आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो पैसा आया है। सेल्स गुड्स थी आपके पास से चली गई, ये कौन सा सेल्स क्या हो गई बच्चे, आपके पास गुड्स थी वो चली गई बिजनेस में से ना, तो ये क्या हो जाएंगी क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरी बात, ये इनकम भी है आपकी, और इनकम किसको करते हैं, क्रेडिट, हम इनकम को भी करते हैं, रेवेन्यू है आपका, है ना, ये रेवेन्यू है आपका। अगर ध्यान से देखो तो बिजनेस में से गुड्स चली गई, उस हिसाब से तो बिजनेस के पास से कुछ चला गया, तो क्रेडिट होना चाहिए बिजनेस के पास से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस के पास से चली गई गुड्स, उस हिसाब से ये क्रेडिट होना चाहिए। दूसरी चीज, क्रेडिट किसको करते हैं, इनकम को करते हैं, और सेल्स क्या है, बिजनेस की इनकम है, तो दोनों तरीके से ये क्रेडिट हो रहा है अकाउंट सेल्स वाला, तो हम कैसे कर दिया, यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट डेबिट 5000 टू, थोड़ा स्पेस छोड़िए कैश के नीचे में, थोड़ा स्पेस छोड़कर थोड़ा दूर से टू सेल्स अकाउंट लिखिए, कितना 5000 ट्रांजेक्शन हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000, नीचे नरेशन दे दिया, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। अब देखो आगे, जब यहाँ पे सेल्स की बात हुई तो मैंने कहा गुड्स की बात हुई ना, तो एक बार गुड्स को देख लेते हैं, गुड्स को लेकर ट्रांजेक्शन, गुड्स को लेकर क्या क्या वर्ड्स आ सकते हैं, गुड्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, परचेज, आपने गुड्स खरीदी है कहीं से, जो रॉ मटेरियल, जैसे जैसे कि रॉ मटेरियल वगैरह आपने खरीदा, या जो भी गुड्स भी खरीदी है, तो परचेज के नाम से जब खरीदते हो
तो परचेज अकाउंट, जब आप बेचते हो तो सेल्स अकाउंट, जब आप खरीदा हुआ सामान वापस करते हो तो परचेज रिटर्न अकाउंट, जब आप बेचा हुआ सामान वापस आ जाता है आपके पास तो सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है बच्चे, परचेज का बैलेंस क्या रहेगा? डेबिट रहता है परचेज का बैलेंस, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न वापस कर दिया आपने तो ये क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डेबिट हुआ था ना, इसको वापस कम करना है। अब ये अमाउंट जितने से डेबिट हुआ था, तो ट्रांजेक्शन उल्टी करने के लिए परचेज को रिटर्न को क्रेडिट कर देते हैं। सेल्स रिटर्न, सामान बेच दिया था लेकिन वापस आ गया, तो डेबिट, डेबिट वो कम्स इन करके, तो ये वापस आ गया, बेचा हुआ सामान आपके पास वापस आ गए ना, गुड्स वापस आ गए, तो डेबिट वो कम्स इन करके सेल्स रिटर्न का कितना हो जाता है, कैसा हो जाता है? डेबिट हो जाता है। अब इससे आगे देखिए, फिर हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज की। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? एंट्री दैट अफेक्ट्स बोथ साइड्स ऑफ अ टू कॉलम कैश बुक। टू कॉलम कैश बुक जब आप मेंटेन करते हो ना, और एक एंट्री जो दोनों कॉलम्स को अफेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इसके लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस एंट्री को? सी से। एंट्री के सामने छोटा सा सी लगा दिया जाता है। जो एलएफ वाला कॉलम था ना बच्चे, जो एलएफ का जो कॉलम था हम यूज नहीं करे, तो उस पर सी लिख दिया जाता है, छोटा सा सी, किस क्या दिखाने के लिए कि ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है। इसमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों को इम्पैक्ट करती है ये एंट्री एक साथ। तो इस एंट्री का नेट इफेक्ट क्या होता है? इस एंट्री का नेट इफेक्ट नील होता है। क्यों? मैंने कहा ना, कैश बुक के दोनों कॉलम्स को, जैसे आपने बैंक में से पैसा निकाल कर कैश रख लिया, बिजनेस, बिजनेस में पैसा आ गया कैश, बैंक में से बिजनेस ने पैसा निकाल लिया, तो अब बिजनेस के पास क्या कैश है, तो बैंक बैलेंस घट गया, कैश बैलेंस बढ़ गया, लेकिन टोटल में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बैलेंस शीट पे कोई फर्क पड़ा नहीं, सिर्फ बैंक और कैश में फर्क पड़ रहा है, बाकी तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है इसका। तो इसका नेट इफेक्ट हमेशा जीरो होता है, कॉन्ट्रा एंट्री का नेट इफेक्ट नील रहेगा, इसका नेट इफेक्ट कुछ नहीं होता। बैंक में से घट के कैश में चला गया, या आपने कैश बैंक में जमा करा दिया, बिजनेस ने क्या किया, कैश पड़ा हुआ तो बैंक में जमा करा दिया, तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैश में से बैंक में चला गया कोई फर्क नहीं पड़ रहा, करंट एसेट तो वहां की वहीं पे है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर्पस क्या होता है फिर, इसको रिकॉर्ड क्यों करते हैं जब इसका इफेक्ट ही नहीं होता है कुछ? तो क्यों? कोई सामान बिका नहीं, कोई सामान खरीदा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बैंक में से निकाल के कैश ले लिया, कैश जमा करा के बैंक में रख लिया, तो इसको रिकॉर्ड ही क्यों कर रहे हो अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो? शो टू शो द ट्रांजेक्शन्स दैट इंपैक्ट कैश एंड बैंक बैलेंस। क्यों कर रहे हैं? कि कल को भाई हमें देखना पड़ जाए कि बैंक बैलेंस घटबड़ क्यों रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस ट्रांजेक्शन का, बैलेंस शीट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो आप बैलेंस शीट ऐसे करके बनाओगे ना, तो कैश और बैंक लिखोगे इधर में बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, तो सिर्फ कैश और बैंक में फर्क पड़ रहा है, बाकी तो टोटल, तो डेबिट और टोटल एसेट साइड का इक्वल टू हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल वो सेम ही रहेगा, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है। रिकॉर्ड इसलिए कर लिया कि कल को हमको देखना पड़े कि भाई कैश का बैलेंस है वो कम हुआ है तो क्यों हुआ है, या बैंक का बैलेंस बढ़ गया है तो क्यों बढ़ गया है। सिर्फ कैश और बैंक पे होने वाले इम्पैक्ट को पढ़ने भर के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं कॉन्ट्रा एंट्री को, अदरवाइज इसका नील इफेक्ट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ दे रखा है मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपने ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला बैंक से, तो ऑफिस में कैश रख लिया बैंक में से निकाल के, या फिर ऑफिस में से कैश ले जाकर आपने बैंक में जमा करा दिया बिजनेस के बैंक अकाउंट में, तो इनका नेट इफेक्ट नील होता है। कॉन्ट्रा एंट्री का नेट इफेक्ट नील होता है बैंक और कैश के बीच की ट्रांजेक्शन, कैश में से बैंक में चला गया, बैंक में से कैश में आ गया, सिर्फ उतना ही, उन ट्रांजेक्शन को कॉन्ट्रा एंट्री बोल रहे हैं। फिर कंपाउंड जनरल एंट्री, जब सिंपल और जनरल एंट्री और कंपाउंड जनरल एंट्री पढ़ाया तो मैंने बताया ना कंपाउंड जनरल एंट्री क्या होता है, दो या दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, दो का कोई चक्कर नहीं है, दो तो सिंपल वाले में होते हैं, दो से ज्यादा की जो ट्रांजेक्शन होती है ना, टू और मोर ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर अकाउंट टेक प्लेस ऑन द सेम डेट इंस्टेड ऑफ पासिंग टू और मोर एंट्रीज अ सिंगल जनरल एंट्री इज रिकॉर्डेड। आप एक फॉर एग्जाम्पल, दो या दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाए एक ही अकाउंट की, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए, ये मैंने दिया ना कैश से रिलेटेड तीन ट्रांजेक्शन हो गई,
अब अलग अलग रिकॉर्ड करने के लिए एक तो आप करते वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर आप करोगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर आप करोगे सैलरीज। कहने का मतलब है हर एक के लिए, हर एक एक्सपेंस के लिए, जैसे वेजेस के लिए एडवर्टीजमेंट और सैलरी के लिए अलग अलग ट्रांजेक्शन करो, लेकिन सब में क्या हो रहा है, एक अकाउंट कॉमन है कैश। तो टोटल तो वही हो गया ना, आपने क्या किया, सारी का टोटल करके सीधा एक ही अखबार में क्रेडिट कर दिया, सारी एंट्रीज को जोड़कर एक ही एंट्री पास कर दी, क्योंकि इन सारी एंट्रीज में एक कॉमन अकाउंट इंपैक्ट कर रहा था, उसको हम बोल रहे हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। दो से ज्यादा अकाउंट्स जहां इन्वॉल्व हो जा रहे हैं और आप सिंगल एंट्री पास कर दो, अलग अलग एंट्री करने के बजाय एक ही एंट्री में रिकॉर्ड कर दो सबको, तो आप उसको बोलोगे कंपाउंड जर्नल एंट्री। यहाँ हमने कैश के लिए अलग अलग एंट्रीज ना करके सिंगल एंट्री में ही हमने तीनों वेजेस एडवर्टीजमेंट और सैलरी को डेबिट कर दिया और एक ही बार में कैश को क्रेडिट कर दिया, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है बच्चे, फिर देखिए ओपनिंग एंट्री होती है, एक होती है ओपनिंग एंट्री, क्या होती है, क्लोजिंग बैलेंसेस बिकम द ओपनिंग बैलेंसेस फॉर द नेक्स्ट ईयर, देयर फॉर एन ओपनिंग एंड जर्नल एंट्री इज पास्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एट द टाइम ऑफ पासिंग एंड ओपनिंग एंट्री ऑल एसेट्स आर डेबिट इंडिविजुअली वेयर एज कैपिटल एंड लाइबिलिटीज आर इंडिविजुअली क्रेडिटेड। इस साल के अकाउंट्स क्लोज करोगे तो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल के ओपनिंग बैलेंस के बन जाएगा ना। 31 मार्च को आपने अकाउंट्स क्लोज कर दिए, 1 अप्रैल को वही तो सब एसेट्स खत्म हो गई, नहीं हुई ना। इस साल आपने क्लोजिंग में दिखा दिया कि भाई इतने एसेट्स बचे हुए थे, इतनी लाइबिलिटीज बची है, इतना कैपिटल बचा हुआ है। अगले साल उन्हीं सब के साथ तो शुरुआत कर रहे हो, अगले साल का बिजनेस बचे हुए पिछले साल के बचे हुए एसेट्स लाइबिलिटी कैपिटल से ही तो स्टार्ट करोगे। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन जाएगा और उसी को ओपनिंग एंट्री कहेंगे, क्योंकि एक बार तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना बिजनेस को कि इस साल हमारे पास कितने एसेट्स हैं, तो एसेट्स को डेबिट टू लाइबिलिटीज टू कैपिटल, ये क्या हो जाएगी, ओपनिंग एंट्री हो जाएगी। लास्ट ईयर का बचा हुआ जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, इस साल का ओपनिंग बन जाएगा और ओपनिंग को दिखाने के लिए हम एक एंट्री पास करेंगे स्टार्टिंग में कि हमारे पास कितने एसेट्स और लाइबिलिटी कैपिटल के साथ हम इस साल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसको हम ओपनिंग एंट्री बोल रहे हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट बताए बच्चे मैंने आपको, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको कब याद होंगी, ये ऐसे रट्टा मारने से याद करने की बजाय हम प्रैक्टिस में क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। तो कुछ नहीं करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, ये क्वेश्चन शायद से आपको डीके गोयल में भी मिल जाएगा जहां तक मुझे लगता है, अगर चेंज नहीं हुआ होगा तो। सबसे पहले आप देखिए, हम यहाँ कोई फॉर्मेट नहीं बना रहे, मैंने जो फॉर्मेट आपको बताया वो मैं यहाँ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इतना स्पेस है भी नहीं और ऊपर से ये पेन के जैसे चलता भी नहीं है ना ठीक से, तो थोड़ा सा बहुत रफली लेकर जाएंगे। हाँ आपको एंट्रीज लेकिन समझ आएंगे, ठीक है बच्चे। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चा, 2018 एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ साहिल ब्रोस, 2018 अक्टूबर 1 को ट्रांजेक्शन हुई, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश, कैश के लिए परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, के क्या कह रहा है कि हमने गुड्स खरीदे, परचेज्ड कहा, किससे खरीदे, अनिल से, कैसे खरीदे, कैश। जब कैश में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, कैश में सामान खरीदा या बेचा, तो फिर जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम नहीं आता, वेंडर का कोई नाम वाम नहीं आएगा, सेलर का भी नाम नहीं आया। अगर ट्रांजेक्शन जो भी खरीदने या बेचने वाली जो ट्रांजेक्शन है गुड्स की, अगर वो कैश में हो रही है तो नाम नहीं लेंगे। नाम कब लेते हैं, रिकॉर्ड कब करेंगे नाम, जब क्रेडिट पे होगा, यहाँ पे कैश पे है तो यहाँ पे नाम नहीं आएगा, अनिल का नाम नहीं आएगा। एंट्री करो, ये फर्स्ट एंट्री है, एंट्री क्या होगी, दो अकाउंट्स कौन से इंपैक्ट कर रहे हैं यहाँ परचेज अकाउंट, गुड्स का मैंने बोला था ना, हम गुड्स के लिए क्या क्या वर्ड्स यूज करते हैं, परचेज, सेल, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, तो परचेज का अकाउंट। दूसरा किसका अकाउंट है, कैश में हो रही है ट्रांजेक्शन, तो अनिल को कंसिडर नहीं करेंगे, अगर ट्रांजेक्शन कैश में है तो नाम को कंसिडर नहीं करेंगे, नाम को भूल जाओ, नाम से कोई मतलब नहीं है, हम किसको कंसिडर करेंगे, कैश को। तो दो अकाउंट से कौन सा, परचेज अकाउंट
एक आ गया परचेज अकाउंट, दूसरा आ गया कैश अकाउंट। परचेज क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस के अंदर क्या आए हैं? गुड्स आए हैं, तो किस नाम से आए हैं? परचेज के नाम से। तो डेबिट किसको कर देंगे? परचेज को। दूसरा अकाउंट है कैश, कैश। क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या है? कैश है ना, रियल अकाउंट है। तो रियल में क्या रूल था? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस में से जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। आपने पैसे में गुड्स खरीदे हैं तो बिजनेस के पास से पैसा चला गया, गुड्स आ गए, पैसा चला गया तो पैसे को क्रेडिट कर दो। एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट चालीस हजार। थोड़ा स्पेस छोड़कर टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट कितना? 40,000। नीचे छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दो इसका, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनिल फॉर कैश। कुछ नहीं होता, क्वेश्चन में जो दे रखा होता है ना ट्रांजेक्शन, वही का वही लिख दो, चाहे गुड्स परचेज्ड। फ्रॉम अनिल, क्वेश्चन में जो ट्रांजेक्शन दे रखा होता है वही का वही रिकॉर्ड कर दो, फ्रॉम अनिल फॉर कैश। ये नरेशन हो गया, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अब देखो सेकेंड ट्रांजेक्शन। सेकेंड में उसने बोला परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल, अतुल से गुड्स खरीदे 75,000 के कैश। बताया उसने कैश में खरीदे कि नहीं खरीदे? नहीं। एक तो उसने नाम दे दिया, ऊपर से बताया नहीं कि कैश में क्रेडिट में, तो हम इसको क्या मानेंगे? उधार में खरीदे हमने, ठीक है। अगर उसने कैश नहीं बताया कि कैश में खरीदे या नहीं, और नाम दे दिया ऊपर से, नाम दे दिया इसका मतलब उधार में खरीदे हमने, कैश की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ। तो एक अकाउंट कौन सा हो गया? परचेज का। दूसरा हो गया अतुल का। अतुल क्या है? पर्सनल अकाउंट है। परचेज क्या है? गुड्स का अकाउंट ना, गुड्स पर डेबिट व्हाट कम्स इन ना। तो 75,000, तो हम यहाँ इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या क्रेडिट द रिसीवर। तो परचेज अकाउंट बच्चे, बिजनेस के पास क्या आ गए? गुड्स आ गए। परचेज अकाउंट डेबिट, और हमने क्या किया? उधार में खरीदे हैं 75,000। थोड़ा स्पेस छोड़कर लिखो टू अतुल, और नाम के साथ में ना कभी भी अकाउंट वर्ड यूज नहीं होगा, टू अतुल अकाउंट नहीं लिखेंगे, सीधा टू अतुल। कितना? 75,000। क्रेडिट द गीवर कर दिया, उधार में खरीदे हैं, तो अतुल क्या हो गया? हमारा क्रेडिटर हो गया। ये कौन हो गया? क्रेडिटर हो गया, गीवर हो गया, हमारी लाइबिलिटी हो गई इसकी तरफ। इसकी क्या लिखेंगे? गुड्स परचेज्ड, नरेशन लिखो, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अतुल ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधार में खरीदे, ऑन क्रेडिट मतलब उधार में खरीदे हैं। दोनों एंट्रीज हो गई। अब देखिए, अब थर्ड एंट्री देख लेते हैं। वो बोल रहे हैं रिटर्न्ड गुड्स टू अतुल। नेक्स्ट एंट्री देखिए, रिटर्न्ड गुड्स टू अतुल। अतुल से अभी तो खरीदे थे हमने, तो परचेज किया था, अब क्या हो गया? परचेज रिटर्न हो गया अतुल को। रिसीवर कौन है? अतुल। अतुल ने रिसीव किया ना गुड्स, तो यहां क्या करेंगे? थर्ड एंट्री पे रिसीवर अतुल, डेबिट द रिसीवर, तो अतुल को डेबिट कर दो, पर्सनल अकाउंट है। अतुल डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। गुड्स वापस करने को क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न अकाउंट। अच्छा, ये किस रूल से हमने क्रेडिट कर रहे हैं अभी इसको? परचेज रिटर्न को। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस के पास से क्या चले गए? खरीदे हुए गुड्स वापस चले गए, तो खरीदे हुए गुड्स को क्रेडिट कर दो, परचेज रिटर्न अकाउंट। और कितने के थे? 3,000 के, तो 3,000 डेबिट का 3,000 इधर लिखो, और क्रेडिट का 3,000 साइड में। छोटी सी नरेशन डाल दो इसके नीचे, क्या है? गुड्स रिटर्न टू
अतुल। गुड्स रिटर्न टू अतुल। ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। बहुत स्लो जा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपको ट्रांजेक्शन समझ आए। अगर आप पहली बार जर्नल एंट्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर मैं बहुत जल्दी में लेकर जाऊंगी तो बच्चे क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लो, पेड कैश टू अतुल। हमने अतुल से अभी देखो यहाँ क्रेडिट पे खरीदा था सामान, इधर 75,000 3,000 का वापस भेज दिया। अब उसको कैश दे दिया, कितना? 50,000 उसको कैश दे रहे हैं। उसने नहीं बताया कि अकाउंट सेटल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसने बोला अतुल को 50,000 पैसा देना है। तो यहाँ एंट्री कर दो। नेक्स्ट, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है? अतुल। अतुल डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। कितना? 50,000। कितना? 50,000। कैसे होगा इसका? कैश पेड टू अतुल। नरेशन डाल दी, कैश पेड टू अतुल। समझ आया? अतुल रिसीवर है तो अतुल को डेबिट कर दो, डेबिट द रिसीवर। और कैश क्या है? कैश रियल में आएगा, तो रियल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में से जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। क्या चला गया बिजनेस के पास से? कैश चला गया, कैश को क्रेडिट कर दिया हमने। अब बच्चे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन और देखो फिर। सोल्ड गुड्स टू चारू। चारू को गुड्स बेच दिए हमने, कितने के? 1,00,000। यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल्स। और उसने नहीं बताया कैश में बेचे या उधार में बेचे। जब उसने नहीं बताया कैश में बेचे या नहीं तो हम क्या मानकर चलते हैं? उधार में बेचे। तो कौन सा? सेल्स अकाउंट हो गया दूसरा, चारू, क्योंकि कैश की बात नहीं हो रही तो चारू को बेचे। तो चारू कौन है? डेटर हो गया, डेबिट द रिसीवर। चारू ने रिसीव किया लेकिन उधार में, हमने फ्यूचर में इससे पैसे लेने हैं, जिससे फ्यूचर में पैसे लेने हैं, जिसने हमने जिसको हमने उधार में सामान बेच रखा वो हमारा देनदार बन जाता है, फ्यूचर में हम उससे पैसे मांगेंगे तो उसको हम डेटर बोल देते हैं। तो चारू यहाँ डेटर हो गया हमारा। डेटर कौन होता है? डेबिट होता है हमेशा। और इसका क्या बोल देंगे इसको? डेबिट द रिसीवर। चारू ने गुड्स रिसीव किए हैं। तो बच्चे फिफ्थ एंट्री है ना, डेबिट द रिसीवर। फिफ्थ एंट्री है डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है? चारू। चारू डेबिट टू क्रेडिट, किसको करेंगे? सेल्स को। रेवेन्यू है बिजनेस का और इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है टू सेल्स अकाउंट। तो चारू को कितने के गुड्स बेचे आपने? 1,00,000 के। चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,00,000। छोटा सा यहां पर नरेशन दे दो इसका, क्या? गुड सोल्ड टू चारू। गुड्स सोल्ड टू चारू, जब नाम दे दिया है तो इसका मतलब क्रेडिट में बेचे हैं। जो भी एंट्री पड़ेगा ना उसको समझ आ जाएगा कि नाम लिखा हुआ है ना चारू, इसका मतलब उधार में बेचे हैं गुड्स। अगर नाम नहीं लिखा होता तो यहाँ पे क्या लिखा होता? कैश लिखा होता, तो हम क्या मानते कि कैश में बेचे हैं जिसको भी बेचे हैं। ठीक है, अब सिक्स एंट्री नेक्स्ट क्या हो जाएगी? पहले ट्रांजेक्शन पढ़ो। ये देखो, चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स। जो 1,00,000 के गुड्स बेचे थे ना बच्चे, यहां इसका 20% निकाल दो। 1,00,000 का 20%। कैसे? वो सिंपल समझा रहे हैं। देखो 1,00,000 का 20% कितना हो गया? 20,000। 20,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए चारू ने। तो रिटर्न करते वक्त दिए किसने है गुड्स हमें? चारू ने दिए। तो चारू क्या हो गया? गीवर। तो क्रेडिट द गीवर एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस के पास क्या आ रहा है?
बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है, जब बिका था तो सेल्स था, वापस हो गया तो रिटर्न हो गया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दो। क्यों? डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के पास जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो। क्या आ रहे हैं? गुड्स आ रहे हैं, बेचे हुए गुड्स वापस आ रहे हैं। देने वाला कौन है? चारू। चारू को क्रेडिट करो, क्रेडिट क्रेडिट चारू। अभी देखो यहाँ पे सिक्स्थ एंट्री में बेचे हुआ सामान वापस आ रहा है, तो बेचा था तो सेल्स हो गया था, लिख क्यों नहीं रहा है? बेचा था तो सेल्स हो गया था, अब वापस आ रहा है तो किसके पास है? किसने दिया वापस? चारू ने। क्रेडिट द गिवर कितना? 20,000। छोटा सा नरेशन दे दो यहाँ पे। गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न फ्रॉम चारू, चारू से गुड्स वापस आ गए। स्पेस खत्म हो गया। ये लीजिए, अभी हमने कितनी ट्रांजेक्शन कर दी बच्चे? 6 ट्रांजेक्शन हो गई यहां तक। अब देखिए बहुत कम बचा गया, अब तो 2 ही ट्रांजेक्शन बची। एक बोल रहा है कि रेंट, 2 अकाउंट है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, पेड रेंट, पेड मतलब कैश दे दिया आपने। 2 अकाउंट्स कौन से हो गए? एक तो कैश हो गया, एक हो गया रेंट। रेंट क्या है? एक्सपेंस है। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। डेबिट द एक्सपेंसेस और आपके पास से क्या चला गया? कैश चला गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट? 2,000 रुपए। डेबिट द एक्सपेंसेस और रेंट क्या है? एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट को डेबिट कर दो। रेंट अकाउंट को डेबिट कर दो टू कैश अकाउंट। कितना था? 2,000। क्रेडिट व्हाट गोज आउट? एक छोटा सा यहाँ पे नरेशन दे दो, रेंट पेड। ठीक है, अभी लास्ट एंट्री और देखो, उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। साहिल विड्रू फॉर पर्सनल यूज, साहिल विड्रू फॉर पर्सनल यूज। जो ओनर है साहिल, कैसे पता चलेगा ओनर है? यहाँ पे देखो जर्नल ऑफ साहिल, ये बिजनेस किसका था? साहिल का था। साहिल ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, तो साहिल ने जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला उसको किस नाम से जानेंगे? ड्रॉइंग, उसको ड्रॉइंग के नाम से जानेंगे। और बिजनेस के पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। बिजनेस के पास से तो कैश चला गया ना बच्चे, तो दूसरा अकाउंट क्या है? कैश है। तो जब उसने पैसा निकाला तो किस नाम से निकाला? ड्रॉइंग के नाम से, तो ड्रॉइंग को डेबिट कर दो। जब पर्सनल यूज के लिए ओनर पैसा निकालता है तो वो ड्रॉइंग होता है। बिजनेस का तो अमाउंट घट गया ना उतने पैसे से, बिजनेस का तो पैसा घट गया। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 टू कैश अकाउंट। क्या निकाल लिया ड्रॉइंग के नाम पे? कैश निकाल लिया बिजनेस में से। क्रेडिट व्हाट गोज आउट कितना? 10,000। नीचे छोटा सा नरेशन और दे दो, कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यहां बता दो पर्सनल यूज के लिए निकाले। क्लियर हो गया बच्चे? ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। हमने सारी ट्रांजेक्शन्स में क्या किए? जो भी डेबिट क्रेडिट के रूल्स थे वो लगाए। पर्सनल अकाउंट पहले आइडेंटिफाई किया कि पहले हमने ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया कि कैश वाली ट्रांजेक्शन्स है कि नहीं, मतलब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है कि नहीं। कर लेने के बाद हमने अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया कि ट्रांजेक्शन कौन से अकाउंट्स को अफेक्ट कर रही है, एक ट्रांजेक्शन कौन से अकाउंट को अफेक्ट कर रही है। ये निकालने के बाद हमने रूल लगा दिया कि इस पर रूल कौन से लगेंगे डेबिट क्रेडिट वाले। वो लगाने के बाद हमने जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड कर दिया। ये सारा प्रोसेस क्या था? जर्नलाइजिंग का था। ये सारा प्रोसेस क्या था बच्चे? जर्नलाइजिंग का था।
अभी मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लें, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जो भी डाउट होंगे इसके बाद। ये देखो, इसने बोला कमेंस्ड बिजनेस, बिजनेस कमेंस्ड कर किया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसको कैपिटल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, कैपिटल। तो इसको क्या मानेंगे, कैपिटल। और कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाता है, क्रेडिट होता है। तो बिजनेस के पास क्या आया, पैसा आया, कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 50,000, एक ट्रांजेक्शन हो जाएगी। पहली ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना आएगा बच्चे, 50,000। यहां मैं नरेशन नहीं लिख रही हूं, मैं सिर्फ एंट्रीज कर रही हूं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, क्योंकि एंट्रीज बहुत सारी हैं, फिर वो रह जाएंगी अगर मैंने एनालिशन लिखना शुरू किया तो। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष, कैश की बात नहीं हो रही, इसने नहीं बताया कि हमने पैसा दे दिया या उधार में खरीदे, हम क्या मानेंगे, उधार में खरीदे। दो अकाउंट्स कौन से हो गए, एक परचेज अकाउंट हो गया, दूसरा क्या हो गया, सुभाष का अकाउंट हो गया। सुभाष कौन है, गीवर है, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो देखिए बिजनेस के पास क्या, बिजनेस ने क्या किया, परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गीवर, गीवर कौन है, सुभाष, टू सुभाष। कितने के गुड्स थे बच्चे, 20,000 के। थर्ड ट्रांजेक्शन देखो, फिर बोला सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, रामनाथ को 15,000 के गुड्स बेचे, उसने नहीं बताया कैश में बेचे या उधार पे बेचे, आप क्या मानकर चलेंगे, उधार में बेचे। तो रिसीवर कौन है, रामनाथ, और उसको क्या किया हमने, सेल्स किया, सेल्स हमारी रेवेन्यू होगी, तो रामनाथ डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 15,000 से। रामनाथ रिसीवर है, रामनाथ को डेबिट कर दो, रामनाथ डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना हो गया बच्चे, 15,000। ट्रांजेक्शन हो गई। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन जो है वो देखो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ 13,800 एंड डिस्काउंट अलाउड 200। रामनाथ को कैश रिसीव्ड फ्रॉम रामनाथ को जो अभी, नहीं नहीं एक ट्रांजेक्शन बीच में रह गई ना, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, रामनाथ को जो हमने सामान बेचा था उसने वापस कर दिए, 1,000 रुपए का सामान वापस आ गया, तो क्या हो गया, सेल्स को हम की थे, ये कौन सा सामान था जो सेल किया था, सेल किया हुआ सामान वापस हो गया, रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। और गीवर कौन है यहाँ पे, किसने भेजे गुड्स, रामनाथ ने, रामनाथ कौन है इस वक्त, गीवर हो गया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ 1,000। फोर्थ ट्रांजेक्शन सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। कितने के, 1,000 के गुड्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, उसने बोला रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, ये ट्रांजेक्शन कर दी, फिर बोला रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ 13,800 डिस्काउंट अलाउड 200। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, 200 रुपए आपने डिस्काउंट दे दिया, उसने 13,800 रुपए हमें भेज दी। कितना बकाया था उसका, 15,000 का सामान बेचा था, 1,000 वापस कर दिया था, उसने कितना बचा था, 14,000। 14,000 में से 200 रुपए डिस्काउंट दे दिया, 13,800 कैश हमें मिल गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया बिजनेस के पास, कैश आया।
तो कैश को डेबिट कर दो, डिस्काउंट अलाउड क्या है, एक्सपेंस है, इसको भी डेबिट कर दो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। क्रेडिट द गिवर, पैसे किसने भेजे हैं, रामनाथ ने, क्रेडिट कर दो रामनाथ को। तो ट्रांजेक्शन क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कितने के गुड्स आए, कितना कैश आया, 13,800। एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो, तो डिस्काउंट अलाउड, जब आप डिस्काउंट को डेबिट करते हो ना बच्चे, आप इसके साथ अलाउड नहीं भी लिखोगे तो भी पता चल जाता है ये एक्सपेंस है। कैसे, डिस्काउंट डेबिट कब होगा, जब वो खर्चा होगा, जब हमने किसी को डिस्काउंट दिया होगा, कितना, 200 रुपए। टू, किसने दिए हैं पैसे, रामनाथ, रामनाथ को हमने डिस्काउंट दिया ना, तो पूरा 14,000 से क्रेडिट होगा, पूरे 14,000 से क्रेडिट होगा। रामनाथ का बैलेंस कितना था, कितना बचा हुआ था इसके पास, 14,000 बचा हुआ था, उसने 13,800 दे दिए, 200 रुपए का डिस्काउंट हो गया, टोटल कितने अकाउंट से सेटल हो गया उसका, 14,000 का अकाउंट सेटल हो गया उसका। ठीक है, पांच होगी, सिक्स ट्रांजेक्शन और देखो, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस 10,000, हमने, गोपाल ने हमें सामान बेचा, तो हमने क्या किया, खरीदा है, तो हमारे लिए क्या हो गया, परचेज हो गया। सेल्स किसके लिए, गोपाल के लिए, हमारे लिए क्या है, परचेज है। ये वाले ट्रांजेक्शन में देखो, 10,000, बेचने वाला कौन है, गोपाल, गोपाल कौन है, गीवर है, क्रेडिट द गीवर, गोपाल क्रेडिट होगा, हमने क्या किया, परचेज किया, परचेज का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट। कितने के गुड्स थे बच्चे, 10,000 के। सेवंथ ट्रांजेक्शन, पेड गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट के बाद गोपाल का अकाउंट सेटल कर दिया। गोपाल को कितने देने थे, 10,000 देने थे, 10,000 का 5%, 10,000 का 5% निकाल लो इधर आराम से, कितना हो गया, 10,000 का 5% आ गया 500। उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, उसको अकाउंट सेटल करना है, तो रिसीवर कौन हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा। गोपाल को के पास जो हमने उधार में 10,000 में सामान खरीदा था, अब हम उसके पैसे वापस भेज रहे हैं, भाई तुम्हारे पूरे पैसे वापस लो। तो गोपाल कितने से क्रेडिट था, 10,000 से, यहाँ पे पूरा 10,000 से डेबिट करो। अकाउंट सेटल का मतलब अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, अब उसके साथ हमारा कोई उधार उधार कुछ नहीं बचता है, इसके बाद वो हमसे कोई पैसा नहीं मांगेगा। क्रेडिट वोट गोज आउट, बिजनेस में से क्या चला गया, कैश चला गया, कैश अकाउंट। टू, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट हमें मिला है तो हमारे लिए तो फायदा हो गया, तो हम उस फायदे को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट, गेन, गेन या प्रॉफिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। टू, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना हो गया बच्चे, 9,500 कैश हमने दे दिया उसको और हमें 500 रुपए डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, एंट्री होगी खत्म, सात एंट्री होगी। अब देखो ना, जो भी है एट्थ एंट्री है ये शायद ना, पेड रेंट ऑफ 1,000, 1,000 रुपए रेंट पे कर दिया, सबसे इजी एंट्री है। रेंट क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो डेबिट कर दो रेंट को, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिजनेस में से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 1,000। नेक्स्ट एंट्री, अब नेक्स्ट उसने बोला
पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस। हरिशंकर कौन है बच्चे? हरिशंकर देखो ऊपर क्वेश्चन में, हरिशंकर की बुक्स, ओनर है बिजनेस का। कौन है? हरिशंकर है। उसका उसके घर का रेंट भर दिया। जब ओनर का घर का रेंट भर है तो ओनर ने क्या कर लिया? पैसा ड्रॉइंग, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया। उसका रेंट भर रहा है वो, या शॉपिंग कर रहा है, जो कर रहा है, जहां खर्च कर रहा है उसकी दिक्कत है। बिजनेस के लिए क्या हो गया? वो ड्रॉइंग हो गया। ड्रॉइंग क्या होगा? डेबिट होगा। बिजनेस के लिए तो पैसा चला गया ना, बिजनेस का पैसा तो गया। 500 रुपए रेंट है सिर्फ, सोचो। तो बिजनेस के लिए तो ड्रॉइंग हो गया। तो यहाँ आएगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो बिजनेस के अकॉर्डिंग बिजनेस क्या कह रहा है कि भाई मेरे लिए तो ड्रॉइंग है, तुम अपने पैसे, इस पैसे का क्या करते हो मुझे मतलब नहीं है, मेरे हिसाब से तो ड्रॉइंग हो गई। और क्या चला गया? कैश चला गया। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना? 500। एक ट्रांजेक्शन हो गई। अब 10th ट्रांजेक्शन, और 10th ट्रांजेक्शन पहले हमें पढ़नी पड़ेगी। हरिशंकर वाली हो चुकी है, ये हो गई। अब है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद। गोविंद से गुड्स खरीदे हैं कैश में, 6000 में गुड्स खरीदे हैं आपने, 20% ट्रेड डिस्काउंट लेकर। आपने क्या किया? 20% ट्रेड डिस्काउंट लिया है। तो ट्रेड डिस्काउंट बच्चे कभी रिकॉर्ड नहीं होता। जब उसने वो बोलता है ना आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे? उस अमाउंट में से वो डिस्काउंट हटाकर रिकॉर्ड करोगे। उस डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते हैं हम, सीधा उसको घटा करके जो अमाउंट है डिस्काउंट का सीधा माइनस करके, और जो बचा हुआ है सिर्फ उसको रिकॉर्ड करो। गुड्स को किस में खरीदा है? कैश में खरीदा है। तो परचेज के नाम से आएंगे। आपने क्या किया? परचेज किया ना। बिजनेस के लिए तो क्या हो गया? परचेज हो गया ना। परचेज अकाउंट डेबिट। गुड्स कितने के गुड्स आएंगे बिजनेस के पास? 2। कैश अकाउंट, कैश पे खरीदे हैं आपने। ट्रेड डिस्काउंट किस पे मिलता है? कैश पे नहीं, कैश पेमेंट पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलता। ट्रेड डिस्काउंट मिलता है जब आप चीजें बल्क में खरीदते हो, बहुत ज्यादा आइटम खरीदते हो, बहुत सारा सामान एक साथ खरीदते हो, तो आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। ठीक है बच्चे, वो क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है। जब आप गुड्स को बल्क में खरीदते हो तब आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। और कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को आप रिकॉर्ड नहीं करते हो जर्नल एंट्री में, इसकी एंट्री नहीं होती है ट्रेड डिस्काउंट की। आप सीधा क्या करते हो? गुड्स में से माइनस करके लिखते हो। अब उसने 20% डिस्काउंट है, 6000 पे 20% कितना निकलता है? 1200 डिस्काउंट है। किसमें से हटा दो? 6000 में से 1200 घटाओगे तो 4800, 4800 रिकॉर्ड कर, 4800 के नाम से गुड्स को रिकॉर्ड कर लिया। बस इतना ही। ये रिकॉर्ड हो गए। अब देखिए नेक्स्ट है गोविंद। परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर 10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट निकालो। 10,000 का 20% कितना बनता है बच्चे? 2,000। ट्रेड डिस्काउंट 2,000, 2,000 की कोई एंट्री नहीं होगी। 10,000 में से 2,000 हटाकर 8,000 रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ। किससे खरीदे हैं गुड्स? गोविंद से खरीदे हैं। लेकिन यहाँ ऊपर भी गोविंद से खरीदे थे, लेकिन ये कैश में खरीदे थे, तो गोविंद का नाम नहीं आया था। हमने क्या लिखा था? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखा था। लेकिन अब क्या किया? गोविंद से खरीदे हैं और नाम दे दिया, उसने बताया नहीं कैश में खरीदे या नहीं, तो हम क्या कहेंगे? उधार में खरीदे। अगर उसने एंट्री में नहीं देखकर रखा है कि कैश में खरीदे या क्रेडिट में खरीदे, आप क्या मानकर चलोगे? क्रेडिट में खरीदे, उधार में खरीदे, पैसे में खरीदे होते हैं तो बता देते। तो अब 8,000 के गुड्स गोविंद के नाम से, हमने किससे खरीदे गुड्स? 8,000 के गुड्स हमने खरीदे हैं गोविंद से। एंट्री नंबर 11, परचेज अकाउंट डेबिट। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं कर रहे, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद। कितना अमाउंट है बच्चे? 8,000। 2,000 ट्रेड डिस्काउंट इसमें से माइनस कर दिया आपने।
देखिए उसने नेक्स्ट में क्या किया, उसका अकाउंट सेटल कर रहा है वो। देखो ये वाली ट्रांजेक्शन हो गई है, अब नीचे वाली ट्रांजेक्शन है, गोविंद को 7,850 दे दिए फुल सेटलमेंट। अभी गोविंद गोविंद से कितने खरीदे थे उधार में? ऊपर की जो ट्रांजेक्शन है ये वाली मत कंसिडर करो, ये तो कैश में हुआ था। अब नीचे वाली जो ट्रांजेक्शन है, 8,000 में गुड्स खरीदे थे, 2,000 डिस्काउंट हटा दिया था ना 10 में से, 10,000 में से 2,000 डिस्काउंट हटा दिया, कितना बचा? 8,000। 8,000 के बदले में 7,850 दे दिया फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब अकाउंट सेटल कर दिया। इसका मतलब 8,000 में से जब सात किसी को आपने 8,000 रुपए देने, वो कह रहे यार 7,850 दे दे और अकाउंट बंद कर दे, बस इसके बाद मैं तेरे से कुछ नहीं मांगूंगा। इसका मतलब 150 रुपए कहाँ गए? 150 रुपए उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दिया कि मुझे वो 150 रुपए नहीं चाहिए, बस इतना ही पैसा दे दे, बहुत है। तो वो क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया बिजनेस के लिए। और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है? इनकम होती है डिस्काउंट रिसीव्ड बिजनेस के लिए। तो यहाँ रिसीवर कौन है बच्चे? ध्यान से देखो, गोविंद रिसीवर है। बिजनेस के पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। बिजनेस को डिस्काउंट भी मिल रहा है। एकम क्या हो गया? तीन अकाउंट से एक साथ इंपैक्ट करके इधर ना। तो रिसीवर को डेबिट कर दो, गोविंद डेबिट। गोविंद का कितना बैलेंस था हमारे पास? 8,000 रुपए थे। टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस के पास से जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। कितना बैलेंस जा रहा है हमारे पास से? 7,850 रुपए चले गए। बाकी का 150 रुपए उसने बोला मुझे नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया? जो भी गेन होगा, प्रॉफिट होगा, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल बोलता है एक बात, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना? 150। ठीक है, 12 एंट्रीज हो चुकी है। अब देखिए नेक्स्ट क्या एंट्री है। उसने बोला पेड टू सुभाष, सुभाष को 4,750 रुपए दिए और 250 रुपए डिस्काउंट। सुभाष की एंट्री देखो ऊपर में, ये वाली एंट्री। कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ जी बच्चे, ये वाली जो एंट्री इधर देखिए, ये रहा येलो कलर में जो है सुभाष, इसको एक ये एंट्री सुभाष के नाम से, ठीक है। लेकिन इसने बोला 4,750 5,000 के बदले में, तो कोई एक और एंट्री होगी सुभाष के नाम से। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष 20,000 परचेस्ड। हमने कहीं 5,000 की ट्रांजेक्शन की है क्या इधर? बच्चे ये गलत हो गया, ये 20,000 नहीं है, ये 5,000। ये जो एंट्री की थी सेकंड वाली, ये 20,000 नहीं था, ये अमाउंट 5,000 था। ये अमाउंट गलत लिखा गया इधर, 5,000 है। और अब उसने बोला 5,000 जो था सुभाष का, उसको सेटल कर दो फुल सेटलमेंट। मतलब 5,000 देने थे हमने सुभाष को, लेकिन हम उसको कितना देंगे अभी? 4,750 देंगे, 250 रुपए डिस्काउंट मिलेगा हमें। तो इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे? रिसीवर कौन है? सुभाष है, तो सुभाष डेबिट। टू बिजनेस के पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बिजनेस को डिस्काउंट मिल गया, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? गेन हो गया ना, प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो फायदा हो गया बिजनेस को। टू डिस्काउंट रिसीव्ड। सुभाष के कितना पैसा हमारे पास था? 5,000 था। हमने कितना दे दिया? 4,750 दे दिया। कितना डिस्काउंट मिल गया? 250 रुपए डिस्काउंट मिल गया। अकाउंट सेटल हो गया, 5,000 इक्वल टू 5,000 डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो गया, खत्म। अब देखिए ये नीचे वाले क्या होगी? कंपाउंड एंट्री करेंगे इसको हम। पेड वेजेस 400 रुपए वेजेस दे दी, सैलरी दे दी 4,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दे दी 8,000, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 1,000। ठीक है, अब अलग अलग एंट्री करने की बजाय कैश जा रहा है ना, सारे खर्चे हैं, सारे खर्चों को डेबिट कर दो, सारे
खर्चों को डेबिट कर दो, सब एक्सपेंसेस है। नॉमिनल क्या बोलता है, एक्सपेंसेस को डेबिट करो, क्रेडिट कर दो इनकम को। यहाँ तो इनकम कुछ हो ही नहीं रही है, यहाँ क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है हमारे पास से। तो अगर कुछ जा रहा है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो वेजेस अकाउंट डेबिट, कितने वेजेस 400 है। फिर नेक्स्ट क्या है, सैलरीज अकाउंट डेबिट, कितनी है 4000 है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 800, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 800, उसके बाद है ट्रेड एक्सपेंसेस 1000। ये सब बिजनेस के लिए खर्चे हैं। सारे एक्सपेंसेस को एक साथ ही डेबिट कर दो, सबकी अलग अलग एंट्री करोगे, इससे अच्छा है कंपाउंड एंट्री पास कर दो। 1000 टोटल कितना हो गया, 1000, 800, 1000 और 400 इक्वल टू 6200। तो इसको क्या लिखेंगे, इधर क्रेडिट कितना अमाउंट करेंगे बच्चे, टू कैश अकाउंट। बिजनेस के पास से क्या चला गया, पैसा चला गया 6200, ठीक है, कंपाउंड एंट्री पास कर दी। ये थी सारी एंट्रीज इस एक क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसकी हमने नैरेशन हमने की नहीं है। नैरेशन में कुछ नहीं होता, ये जो एंट्री देख के रखी होती है ना इधर बच्चे, ये जितनी भी एंट्रीज देख के रखी होती हैं, आपको कुछ नहीं करना होता है, वही एंट्रीज को लिख दो शॉर्ट में थोड़ा सा समराइज करके और बस काम हो गया। एंट्रीज में कुछ नहीं होता, क्वेश्चन में जो देख के रखा है, जो भी क्वेश्चन में देख के रखी होती है वही लाइन दोबारा से लिख दो, नरेशन हो जाता है बस। बस हरिशंकर का जैसे रेजिडेंस का था, तो इसको आप लिख दोगे, आप इसको लिख दोगे ड्रॉइंग के नाम से लिख दो, या फिर आप ये सीन भी लिख सकते हो, पेड रेंट ऑफ हरिशंकर ओनर्स रेजिडेंस करके। समझ आया, लास्ट में हमने कंपाउंड एंट्री कर दिया है, लेकिन हाँ इसका फॉर्मेट हमने बनाया नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस का इशू है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, बाकी की जो भी बची हुई एंट्रीज होंगी ना एक एक करके, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन हम करेंगे ना वैसे वैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट आएंगे बीच में, अलग अलग ट्रीटमेंट्स आएंगे। जैसे यहाँ पे आया था ओपन ओपनिंग एंट्री का क्वेश्चन आया था, कैपिटल, शुरुआत में जो पैसा लगाया बिजनेस में उसको कैपिटल के नाम से एंट्री की गई है उसकी। तो ये नए नए अलग अलग डाउट्स आएंगे, हम इसके लिए एक और क्लास रखेंगे, उसमें हम ये सब करते जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।